मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। नवी मुंबई में विवाद के दौरान एक महिला की हत्या और एक महिला की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में अपनी ही हार्डवेयर की दुकान में 43 वर्षीय दुकान मालिक चोंगाराम चौधरी ने जान दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई के ताड़देव इलाके में कुछ लोगों ने हथियार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और आगे मामले की जांच जारी है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा के ऊपर दिए बयान को लेकर मुंबई पुलिस में अब शिकायत की गई है। शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है और FIR दर्ज करने की मांग की गई। मुंबई के विक्रोली में 2018 में फरार हुए रेप के आरोपी को पुलिस ने जांच करते हुए उसके घर आसम पहुंच गई और घर वालों से तमाम डिटेल लेने के बाद आरोपी को मैसूर से गिरफ्तार किया गया है। 2018 में एक महिला के साथ बस के अंदर इस आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था और तभी से ये फरार चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया में स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने फयाज कादरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसने दोपहिया गाड़ी पर आगे पीछे 2 युवतियों को बिठाकर स्टंट किया था और वीडियो वायरल होने के बाद अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंधी और उल्लासनगर के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत की है और उल्लासनगर पुलिस ने कहा है कि जिस किसी ने भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है उस आरोपी को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। मुंबई के विक्रोली में पिता जब घर पर शराब पीकर आए तो नाराज बेटे राहुल सालवे ने पिता संजय सालवे में इन दोनों लोगों ने में बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ी कि आखिरकार बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्या के मामले में पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज कर और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुंबई में पिछले दिनों तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन अब 10 अप्रैल के बाद से तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के महीने में ही मुंबई करों को लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। ट्विटर में अब बड़ा बदलाव किया गया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है, यानी कि नीली चिड़िया गायब हो गई है, जिसके बाद यूजर काफ़ी हैरान हो गए। नीली चिड़िया की जगह एक डॉगी दिखाई देने लगा। इसके बाद ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके ये बताया, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्विटर का लोगो अब नीली चिड़िया की जगह एक डॉगी होगा।